यार इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में गाइज हम सिखाएंगे एक ऐसा ट्रिक जिससे सीखने के बाद गाइज आप प्रो बन जाओगे, मींस डैट कि दूसरों से बिल्कुल अलग बन जाओगे। और गाइज जहां भी रहोगे वहां पे आपको लोग अलग ही नज़र से देखेंगे, मींस डैट कि वो इधर उधर के नज़र से नहीं देखेंगे, जब भी आपको देखेंगे बोलेंगे यार बंदा में कितना टैलेंट है या फिर बंदा कितना टैलेंटेड है। अच्छा हमको सिखा रहा है गाइज। आप लोग अक्सर बर्थडे पार्टी या फिर बहुत सारा ऐसे जगह पे जाते होंगे जहाँ पे गाइज हमें घर को डेकोरेट करना पड़ता होगा या फिर बहुत सारा ऐसे काम करना पड़ता होगा जिसमें गाइज धागा को या फिर रस्सी को काटने की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन गाइज आज के इस ट्रिक को सीखने के बाद आप लोग को कोई भी सीजर या फिर ब्लेड का जरूरत नहीं पड़ेगा। गाइज इस वीडियो में हम लोग सिखाएंगे रस्सी को कैसे काटते हैं, वो भी अपना हैंड से, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। सो गाइज चलिए फटाफट उसको हम लोग करते हैं। जिसको करने के लिए गाइज हमने यहाँ पे सिंपल सा ये वाला धागा ले लिया है और इसका जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब इसका जो मजबूती होता है, रियली बहुत ही ज़्यादा होता है। जिसको गाइज हम लोग अपने नॉर्मल हाथों से इसे तोड़ना समझो कि इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल। गाइज आप लोग देख सकते हो इससे मेरे हाथों में ऐसे लाइनिंग भी आ गया है। सो दोस्तों ये ट्रिक सीखने के बाद गाइज आप लोग को ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसे काट सकते हैं। और गाइज इसको करने के लिए हमने यहाँ पे और भी थोड़ा बहुत रस्सी ले लिया है। गाइज इस ट्रिक को सीखने के बाद आप लोग इस टाइप का रस्सी भी काट सकते हो और इतना मोटा ये वाला आप रस्सी देख रहे हो भाई, प्लास्टिक की ये वाला आती है सुतली, इसका आप लोग थिकनेस देखो और इसको तो तोड़ना। हम लोग तो इसको बिल्कुल आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन गाइज इसको तोड़ना मतलब कि अच्छी मतलब टूट ही नहीं पाएगा यार नॉर्मल इंसान से। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो में हम इसे भी बिल्कुल आसानी से अपने हाथ से ही तोड़ देंगे। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसको करते हैं, इसके बाद वन बाई वन करके इन सबको भी तोड़ेंगे। तब तक के लिए साइड में हो जाए। गाइज इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो एक पॉइंट है उसको अपने पैर में कुछ इस तरीका से लगा लेना होगा ताकि ये मतलब स्लिप नहीं करे। और गाइज उसके बाद से हमें क्या करना होगा, इसको कुछ इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे करके और गाइज बैंग। गाइज आप लोगों को समझ में आया कितना फास्टली ये टूट गया जैसे हम इसको ऐसे किए कट से अलग। देखो भाई ये दोनों अलग अलग हो गए। इसको गाइज एक बार और हम करते हैं, उसके बाद से गाइज हम अपने हाथों को कुछ इस तरीका से करके और गाइज देखना बिल्कुल आसान तरीका से कट जाएगा बैंग। मीन सेट की ख़त्म यार, इसे कहते हैं सिग्मा रूल। और गाइज ये चुटकियों में अलग अलग हो गया। और गाइज इन टाइप का रस्सी जो होती है इसका भी हमें काम पड़ता है, इसमें गाइज एक पतला वाला है और एक मोटा वाला है। सो गाइज चलिए वन बाई वन करके इन्हें भी तोड़ने का हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पतला वाला को लेंगे, देख लीजिए भाई कहीं से ये टूटा नहीं है। और इसको हम लोग अपने पैर में कुछ इधर से लगा लेंगे, उसके बाद से गाइज हमें इधर से इसे ऐसे पकड़ लेना होगा, उसके बाद से ऐसे पकड़ के ओके देख रहे हो जो भी सेटअप है आप लोग देख लो, एक इधर है एक इधर है हैंड में और हमें यहाँ से कुछ इस तरीका से इसे पकड़ना होगा, आप लोग देख लो और यहाँ से ख़त्म बैंग। मतलब कि यार कुछ भी गाइज इससे जब हम अपने हाथों से तोड़ना चाहें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसे तोड़ पाना, लेकिन गाइज इस ट्रिक से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसे तोड़ सकते हो। साइड में हटाओ भाई, अब इससे भी जो हेवी वाला है इसका थिकनेस देखो यार, मतलब कि मेरा उंगली से इसका थिकनेस कंपेयर कर सकते हो। सिंपली गाइज हमें अपने पैर में कुछ इस तरीके से ऐसे लपेट लेना है, उसके बाद गाइज अपने हाथों में कुछ इस तरीके से ऐसे लपेट लेना है ताकि ये स्लिप ना हो। और गाइज उसके बाद से हमें कुछ इधर से ऐसे पकड़ लेना है इसे और कुछ अच्छा तरीके से सेट करके और गाइज इसको ऐसे करके चाहो तो तोड़ सकते हो बैंग यार। मतलब कि इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा लेकिन गाइज ये भी टूट गया। और गाइज इससे हम किसी से भी बोल दें कि भाई इसे कुछ इस तरीके से पकड़ के तोड़ दो तो उसकी हो सकता है कि आगे पीछे गीली हो जाए बट ये टूटे नहीं। लेकिन गाइज इस ट्रिक की मदद से आप लोग इसे बिल्कुल आसान तरीके से तोड़ सकते हो। अब गाइज बारी है ये वाला मीन्स डैट कि इस ट्रिक का असली टेस्ट। और गाइज यहाँ पे ये चेक करना है कि ये ट्रिक जो है ये इस पर भी काम करते हैं या फिर ऑलराइट गाइज आप लोग इसका थिकनेस देख सकते हो यार कितना ज़्यादा हेवी है। और गाइज ये जो है प्लास्टिक की रस्सी है, इसे तोड़ना बोले तो असंभव इम्पॉसिबल। लेकिन गाइज हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये टूट पा रहा है या फिर नहीं। गाइज हमें अपने इस ट्रिक पे पूरा यकीन है। सो गाइज सबसे पहले फर्स्ट स्टेप अपने पैरों में इसे कुछ इस तरीका से लगा लेना है, दूसरा स्टेप
अपने हाथों में कुछ इस तरीके से इधर से लगा लेना है ताकि ये स्लिप नहीं करे। और तीसरा स्टेप गाइज, इसको इधर से पकड़ना है, इधर से गाइज आप लोग देख सकते हो सिंपल तरीका है, इधर से पकड़ के ऐसे करके अपने हाथों को ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग को इधर जैसे मर्जी वैसे पकड़ लो। चलिए भाई अब इसको हम लोग करते हैं और फिर देखते हैं कि ये ट्रिक यहाँ पे काम करती है या फिर नहीं। चलिए भाई 1 2 3 एंड गो। शाबाश बेटा। ओ भाई साहब यार, मतलब कि इस टाइप का जो रस्सी है उससे भी हम लोग इस ट्रिक की मदद से तोड़ सकते हैं। और गाइज आप लोग देख सकते हो ये दोनों अलग अलग हो गई है, नीचे से आप लोग ऊपर तक देख सकते हो इस रस्सी का भी कंडीशन, जो कि इस सिग्मा रूल से बिल्कुल आसान तरीका से टूट सकता है। चले भाई इसको हम लोग एक बार और करते हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए। और तीसरा स्टेप गाइज, इस बार आप लोग इसे पूरा ध्यान से देखना। इस गाइज तीसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें ये अपने हाथ को ऐसे करना है, उसके बाद से ऐसे कुछ इसको रोटेट करके ऐसे करना है। ओके गाइज यार, आप लोग देख सकते हो इसका क्या हाल हुआ है। ये बिल्कुल आसान तरीका से दो पार्टों में बढ़ जा रहा है अलग अलग, लेकिन गाइज ये नॉर्मल हाथ से कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा और गाइज मज़ा आया होगा और गाइज कुछ सिग्मा रूल मिला होगा जिसे कहीं भी आप इंप्लीमेंट करके प्रो बन सकते हो और अपना जो पर्सनालिटी है अपना भी अपना जो वैल्यू है उसे बढ़ा सकते हो। सो दोस्तों इसके लिए यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों आप लोग ऐसा जरूर करना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का धमाल करते हो, तब तक के लिए बाय। और गाइज आप लोग जहाँ भी रहोगे एकदम प्रो बन के रहोगे ये ट्रिक सीखने के बाद।